हाय फ्रेंड्स, मिक्स एरोमेटिक चैनल पे आप सभी को स्वागत है और मैं हूँ सेफ शुभेंदु। मैं आज आ गया हूँ एक वेज कटलेट का रेसिपी लेके, और इनको बंगाली में बहुत सारे लोग वेज चॉप भी बोलते हैं। फिर चलिए उनके लिए तैयारी करते हैं। ये मैं थोड़ा बीटरूट और गाजर लिया हूँ, इनको देखे मैं ये वेज कटलेट बनाने वाला हूँ। और ये ग्रेटर का सहारे लेके मैं ये बीटरूट और गाजर को ग्रेट कर लूँगा। अब मैं ये कढ़ाई लिया हूँ, इसमें थोड़ा सा ड्राई चिली डाल दे रहा हूँ और थोड़ा सा अक्खा धनिया और ये थोड़ा सा बड़ी सौंफ। इनको थोड़ा सा रोस्ट करके एक मैं मसाला बनाऊँगा। इनको मैं थोड़ा सा कूट लूँगा जैसे थोड़ा धड़धड़ा रहे। अब मैं वही कढ़ाई पे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ले रहा हूँ और उसमें थोड़ा सा ये कच्चा पीनट को डाल दे रहा हूँ और इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर ले रहा हूँ जैसे क्रिस्पी बन जाए। और पीनट फ्राई करके जो मेरा ऑयल बचा है उसमें मैं थोड़ा सा 5 फोरन डाल दे रहा हूँ और इसी में मैं कटलेट का मसाला बना लूँगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक चॉप ऐड कर दे रहा हूँ और इनको मैं हल्का सा जस्ट फ्राई कर ले रहा हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा गार्लिक चॉप। आप लोग अगर बिना ऑनियन गार्लिक का बनाना चाहते हो तो ये गार्लिक को स्किप कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ग्रीन चिली चॉप, थोड़ा स्पाइसी के लिए। अब मैं ऐड कर दे रहा हूँ मेरा ये ग्रेट किया हुआ कैरेट और बीटरूट, इनको मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ और इनको मैं थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लूँगा जैसे इसका पानी सूख जाए। और इनका पानी थोड़ा जैसे जल्दी निकल जाए इनके लिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दे रहा हूँ और इनको फिर से मैं भूनते रहा हूँ। ये देखिए पानी सूख गया बीटरूट और गाजर से। अब मैं इसमें थोड़ा सा बॉयल पोटैटो ऐड कर दे रहा हूँ। ये क्या होगा, आपका थोड़ा सा स्टिकीनेस आएगा तो फिर बीटरूट और गाजर दोनों एक साथ जुड़ जाएगा और कटलेट बनाने के लिए आसान हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर दे रहा हूँ थोड़ा यम्मी टेस्ट लाने के लिए। अब मैं ये कूटा हुआ जो मेरा मसाला वो मैं ऐड कर दे रहा हूँ और उनका साथ साथ मैं फ्राई किया हुआ पीनट को भी ऐड कर दे रहा हूँ और इनको अच्छे से मैं इनका साथ मिक्स्ड कर ले रहा हूँ। और ये मिक्स्ड करके हो गया। अब मैं एक प्लेट में इनको निकाल ले रहा हूँ और प्लेट में निकालने के बाद इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूँगा। ये ठंडा हो गया मेरा मसाला। अब मैं इसको एक फिंगर का शेप दे दूंगा। चाहे आप लोग कौन सा भी शेप में बना सकते हो, चाहे राउंड या कुछ भी शेप में आप लोग बना सकते हो। देखिए मैं फिलहाल फिंगर का शेप दे रहा हूँ। अब मैं ये थोड़ा सा मैदा को घोल बना लिया हूँ और उसी में ये फिंगर को डुबो दे रहा हूँ और यहाँ से उठा के मैं ब्रेड क्रम में डाल दे रहा हूँ और ये ब्रेड क्रम को मैं अच्छे से ये वेज कटलेट का ऊपर लगा ले रहा हूँ जैसे किधर भी छूट न जाए, चारों तरफ अच्छे से लगा लेने का ऐसा घुमा घुमा के। ये ब्रेड क्रम करके हो गया। देखिए ये सारे मेरा ब्रेड क्रम करके हो गया है। अब मैं ये थोड़ा सा ऑयल लिया हूँ और ऑयल हीट भी हो गया है, इसी में मैं ये वेज कटलेट को फ्राई करने के लिए डाल दे रहा हूँ और इसी टाइम ध्यान पे रखने का जैसे ऑयल का हीट ज़्यादा ना रहे, मीडियम हीट पे छोड़ने का और इनको बराबर मीडियम हीट पे फ्राई करते रहने का। ये देखिए मेरा फ्राई करके हो गया। अब मैं इसको निकाल ले रहा हूँ और ये कटलेट को आप लोग टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ सर्विस कर सकते हो आप लोग।
और ये इवनिंग टाइम के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स है। फिर फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये रेसिपी पसंद आए होंगे तो घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए और उनका साथ साथ लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे फिर एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।